तो ही नहीं आ यू। रहा है। नहीं आ रहे हैं सर। आ रहे हैं, हाँ सौम्या चलिए। इज कमिंग, साकेत इज ऑल्सो कमिंग। तो आप कोई भी एक इंटरेक्टिव आइडिया बताइए, अपन उस पे क्रिएटिविटी करते हैं। ओके टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाना करना। अगर निशाना लिखा है तो वहां पे ठीक करके उसे, नहीं, शिकार लिखा है, शिकार से। अब एक तीर से दो शिकार करना। चलिए इसी में हम लोग क्रिएटिविटी करते हैं। इस सेंटेंस की विशेषता आपको समझ में आई क्या? यस सर, यानी कोई ऐसा एक काम करें जिससे दो काम हो जाते हैं। हाँ, ये तो आपने उसका मीनिंग बताया, हाँ जी, लेकिन इंग्लिश में देखिए। अच्छा, इंग्लिश की जगह एक सेकेंड आप उसको हिंदी में देखिए। हिंदी में आखिरी में कौन सा शब्द आ रहा है? इस पे एक बार हम चर्चा कर चुके हैं शायद। मे बी करना। हाँ, तो ये जो करना शब्द आ रहा है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है कि ये पूरा जो वाक्य है वो किस प्रकार से काम कर रहा है? एक सेकेंड में। एक्सक्यूज मी मैम, जब तक ये लोग आ रहे हैं तब तक इस समय का मैं सदुपयोग करता हूं। ओके सर, आपने, आ जाओ बेटा, बैठो यहाँ 1 मिनट। इन बच्चों से बात की थी कल परसों, यस है ना? तो यस तुमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, तो जब तक बाकी लोग नहीं आ रहे हैं तो तुम इनसे एक एक क्वेश्चन करो, वो भी तुमसे करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन बेटा। हाँ थैंक यू। एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। यू लिव इन नागपुर ना? या आई ना, एम इन नागपुर। चलो हम एक क्वेश्चन तुमसे करते, तुम उनसे पूछना। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन जबलपुर। आप कहाँ रहते हैं? जबलपुर में रहता हूँ मैम। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन जबल सॉरी आई लिव इन नागपुर। मैम आप कहाँ रहते हैं? मैं नागपुर में रहती हूँ। अब आप यही सवाल मुझसे कर लीजिए, मैं जवाब दे दूँ, राउंड पूरा हो जाएगा। सर जी, मैं सामने भी आ जाता। वेयर वेयर डू यू लिव? आई लिव इन कचनार सिटी। आप कहाँ रहते हैं? मैं कचनार सिटी में रहता हूँ। मैम, हु इज योर फेवरेट हीरो? मैम हु इज योर फेवरेट नहीं, हीरो? पहले तो मानसा दो, वो सुनेंगे फिर वो आंसर। सर माय फेवरेट हीरो इज अमिताभ बच्चन। आपके फेवरेट हीरो कौन है? मेरे फेवरेट हीरो अमिताभ बच्चन थे। मैम हु इज योर फेवरेट हीरो?
माय फेवरेट हीरो इज धर्मेंद्र। मैम आपकी फेवरेट हीरो कौन है? मेरे फेवरेट हीरो धर्मेंद्र हैं। कंप्लीट कंप्लीट द राउंड मैम, सर हु इज योर फेवरेट हीरो? कंप्लीट मैम माय फेवरेट हीरो इज दिलीप साहब। आपके फेवरेट हीरो कौन है? मेरे फेवरेट हीरो दिलीप साहब। व्हाई इज अमिताभ जी योर फेवरेट हीरो? बिकॉज ही हैज मेड सो मेनी फिल्म्स अबव 200। अमिताभ जी आपके फेवरेट हीरो क्यों? क्योंकि उन्होंने 200 से उन्होंने बहुत सारे फिल्म बनाए हैं, कम से कम 200 से ऊपर। मैम व्हाई धर्मेंद्र धर्मेंद्र इज योर फेवरेट हीरो? बिकॉज धर्मेंद्र इज माई फेवरेट हीरो बिकॉज हर पिक्चर हर पिक्चर्स हिज पिक्चर्स स्टोरी इज वेरी नाइस। आई लाइक हिज स्टोरीज। हम कंप्लीट द राउंड। यू कंप्लीट ना, हिंदी में हम पूछू ना। मैम धर्मेंद्र जी आपके फेवरेट हीरो क्यों हैं? धर्मेंद्र जी मेरे इसलिए फेवरेट हीरो क्योंकि उनकी पिक्चर की स्टोरी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। सर हु इज योर व्हाई इज योर फेवरेट हीरो? दिलीप साहब इज माय फेवरेट हीरो बिकॉज ही कैन एक्ट विद हिज आईज एंड ही कैन एक्ट विद हिज फेस। इफ ही इज सैड ऑन द स्क्रीन सो ऑल द व्यूअर्स कैन वीप। ओके सर, आपके दिलीप शाह आपके फेवरेट क्यों हैं? ये बच्चे कुछ पूछ सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीप? मैडम डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीप? नो नो आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ वीप। तो आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है उसका कंप्लीट द प्रोसेस कीजिए तो मुझे पूरा हिंदी बताने के लिए मजबूर होना पड़ेगा तो उसमें आ जाएगा। सर मैंने पूछा ना व्हाई व्हाई इज ही इज योर फेवरेट हीरो? दिस इज इंग्लिश सेंटेंस एंड आई एम सेइंग कंप्लीट द प्रोसेस। हाँ, आपके दिलीप शाह आपके फेवरेट क्यों हैं? दिलीप साहब मेरे फेवरेट हीरो इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी आंखों से एक्टिंग कर सकते हैं, अपने चेहरे से एक्टिंग कर सकते हैं। अगर वो स्क्रीन पे दुखी हैं, तो दर्शक रो देते हैं। व्यूअर्स वीवर्स मीन्स की रोना, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीवर्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ व्यूअर इज द मीनिंग ऑफ कम अगेन द मीनिंग नहीं नहीं केवल ऐसा द मीनिंग ऑफ व्यूअर्स इज दर्शक, जो लोग आपको दर्शक। ओ वीवर्स वीवर्स आई थिंक वी माने देखना, वीवर्स यानी देखने वाले दर्शक। व्यू वीवर्स आई नो वीवर्स। आई एम आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू दिस लिटिल बॉय एंड हु इज योर फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन माय फेवरेट हीरोइन इज श्रद्धा कपूर। Why is she your favorite? I don't know. Ma'am, who is your favorite heroine? My favorite heroine is Meena Kumari. Ma'am, आपकी favorite heroine कौन है? मेरी favorite heroine Meena Kumari है। Why is she your favorite heroine?
शी इज माई फेवरेट हीरोइन बिकॉज एक्टिंग इज ए नेचुरल एक्टिंग. आई लाइक हर एक्टिंग वेरी मच. Whenever she acts, it looks as a reality. It looks as a real acting. Okay. He is 7 year old. I did not ask what is your age, but he is telling me he is 7 years. So. Which serial do you generally watch? What do you watch on TV? Speak up. She is from Nagpur. So if you do not speak up, she cannot listen to you. You should speak up. Should we play? What should we play? Tell me something. What is your interesting thing? What is your name? Oh, well, she's asking something. What is your name, beta? Atav Tiwari. My name is Atav Tiwari. Do you want to ask her some questions? Please. What ask. Is your, your name, please, beta? What's your name? My name is. What is your name, beta? Voice is chopping. Voice is. My name is Atav Tiwari. Tiwari. What is your name? Oh, very nice. My name. My name is Promila. Promila. It is written here. Can you see? Only Promi is written. Because this is a small screen, so four letters can come on this screen. That's why. Okay. That is why. Promila. Yes, yes, yes. Promi. Promila. Yes. 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 In which class do you read? Now it's coming, Promila. No? The full Promila is coming here on the screen because I have enlarged the screen. It is actually Bua's name. Kalpana. Oh! I see. So, is it holiday today? Is it holiday today? You did not go to school? Today I went to school. Okay. It was the Sarah. Okay, it was Dashara. No, it will be Dashara tomorrow. Yes, sir. I do this. Yes, I do dance and photo. Okay, on the dance in this costume. Oh, very nice. And what else did you do? My plans. And I do everything that I do. Okay. At school only. All the children came. I don't know about that. How many children were present today? 1, 2, 3. I think 10. 10. So, did you see Ravan? We only do that. Picture and dance only that and lunch and like that. The picture, what picture? Take picture. Achha, you took pictures like this. Madam, take pictures of all the bachelors.
And what is the Shahra? What do we do in the Shahra? In school, the cadets. Do you know what is the Shahra? The Shahra is a day. Achha, Ravan, do you know Ravan? Ravana? Yes. So, Ravan, I know. So, who killed Ravana? Lakshman. Lakshman killed? Ram. Are you sure? I think Ram. Achha, both killed. Both. Dishyam. They killed by revolver. No, what? How did they kill? One time he shoot and one time Ravan like that. No, Ravan and Sita shoot at same time and they come and every single time Ram arrow burnt. Arrow burnt? Yeah. Achha, and burning arrow came. No, like both of them shot and then every single time it was a different type of arrow and they go into like this and then every single time Ram's one. अच्छा एवरी टाइम राम wins. ओके ओके बट आई सॉ द बर्निंग एरो इज कमिंग लाइक दिस अनदर एरो इज कमिंग यस सर आई एम सेइंग दैट ओनली दैट इज गोइंग टू देयर सेल्फ लाइक दिस ना यस सर आई एम सेइंग दैट ओनली ओके आई वाज कंफ्यूज्ड सॉरी Actually, I saw another serial and you saw another movie of Ram and Ravan. You see movie of Ram and Ravan? No, I don't. Achha. Okay. And you know the song? Achha, you know the song of Ramayan? Yes. Love Kush song? Yes, Ramayan. Song? Madam, he speaks English very fluently. Yeah, sir. Very nice. Very nice. Thank you. Welcome. Your student are always with your student will be clever. He's my next door. Okay. Yeah. And he's Bhatija of Madam. Madam is Gua. Okay. Okay. Should I talk to her? Actually, you know, she is a student from Nagpur. She is attending my class. Yes. She is having Nagpur. Do you know Nagpur? Where yes. Is Nagpur? I only know that Nagpur is a city or a country. It is a city, beta. Yo. Yes, I know that it is a city. I don't know where it is. Oranges. Do you know oranges? Do you like oranges? Oranges are produced in Nagpur. Oranges are grown in Nagpur because Nagpur is hot place and oranges are grown only in hot places.
And apples can be grown only in cold places like Kashmir, you know. So oranges only grow in hot places because they are hot. Because we are hot, we are cold. Are she is waiting for the questions. Do you want to ask some questions? What question do you want to ask? Ask her. She is 60 plus. 61 means? No, you can ask her. How many years old you are? I am 68 years old. Oh, 68 years. How old are you? She's asking. What? How old are you? 7. Okay. In which class do you read? In two, I am almost about to go in third. I asked Mama if I'm in third class. I actually said no. ये कह रहा है कि मैं second standard में हूँ, दूसरी class में हूँ, लेकिन अब तीसरी class में जाने वाला हूँ. मम्मा ने बताया. मम्मा से मैंने पूछा. So this year he will enter in third standard. Third year. He is only 7 years. I have video of him. I will send you. Oh. So when he was very little, he used to live here. Yeah. He used to play with me. हमारे साथ खेलता था. हमारे साथ घूमने भी जाता था for morning walk. हम ऐसी एक गाड़ी थी उसमें तुम्हें बिठा के ऐसे बेबी वॉकर यू आर राइट बेबी वॉकर उनको टॉयज भी दे देते हैं. इट इज रिवॉल्विंग चेयर. अच्छा सोनिया इज फ्रॉम डोरीमान. निंजा हथौड़ी पर अब तो पता नहीं आएगी कि नहीं. सोम्या वो मुझे कह रही थी मैं 2 मिनट में 5 मिनट के अंदर आई. अब बहुत देर हो गया. अब तो सोम्या साकेत भी बोल रहा था. हाँ साकेत भी बोल रहा था मैं आ रहा. लेकिन आज अथर से मिलके अच्छा लगा. उसके पहले एक और बच्चा था उससे भी थोड़ी सी टॉकिंग हो गई. हाँ प्रैक्टिस ही चाहिए ना बोलने की. मेन he was talking to Pramila madam. This is kurta na. This is kurta and this is pajama. It is looking nice. See this is orange kurta and this is I'm wearing white pajama. He's wearing white. Oh, white pajama. I can see. Orange kurta and white pajama. Am I right? Yes. This is song. Yes, kurta pajama kala kala. It is a song. Kurta pajama kala kala. It is a song. Yes. Yeah. Bye. Going. No. I was just wondering.
अच्छा, ही वॉज जस्ट गोइंग देयर एंड सेइंग बाय। ओ बाय बाय बेटा। ये बाय ये पोस्टर इट इज फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स। दे आर प्रीपोजिशन, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। शुड आई स्विच ऑन दिस लाइट? मैडम कैन आल्सो सी दिस। If anything is inside, this ball is inside, right? So we use in or inside. If something is here, we use on, O and on. Okay. Yes, it's on there. So yes, yes, I know that. You know, na? Yes. And something is near something. So we use, if the ball is near this stool, we use at. ये पोस्टर, दिस पोस्टर वॉज गिफ्टेड बाय वन स्टूडेंट ऑन माय बर्थडे। ही हैज रिटन ना, happy birthday dear sir. Yes, sir. And his name is Sri Nandan. Sri Nandan. Sri Nandan. Sri Nandan. And please talk to her. Hello. We are talking to her. See, you have this. Better. You are talking. Anything. You can ask, do you watch TV like this? Do you play games? Which game do you like? Which game do you like most? Which is your most favorite game? Oh, very nice question. My favorite game is badminton. Badminton. You play? No, my favorite game is business. You play badminton? No, yes. My favorite game is business. How do business? My favorite has to be then like two like birthday, and then like you roll dice and then you go on places, and then you have to say if you want to buy it or not, and if you run out of money then we will see whoever has the most tickets, because what you buy is not that is tickets, and then there is also amount and you also have to give money. Can I sell anything? You can't sell. I can only buy. Yes, if you have to get one of each note one locate, and what else was there, what was there? Yes, and you can also get money. But whenever you buy something, then you have to deposit your money into bank, and then you have less money. And if you don't, and there is also thing that I'm not. That there is money, and if you don't have enough, then you can't buy that. And there is another thing about the homes. What? That if you land on one, the S, like you got Jaipur as a ticket, okay? And then if you land back on Jaipur, there will be a thing where you can do a mount, and then it will price of the money. So like a player goes on to there, then he has to pay you even more money, because when a player like he goes on to the thing, then he has to
the bank to buy the ticket. Okay, and there is the mountain, I think, at least up to 4. Okay. And can we take food also during the game? Can I eat something while I'm playing the game? Like you can eat. You can eat, but not that much. Okay. Because if it gets on the thing, then it will become dirty. So can I buy chocolate or ice cream by the money? No, it is fake money. It is money that you play with game, not real money. So can I buy fake ice cream, fake chocolate? No. It is fake money that you can't buy anything. Oh. How many? It comes with a game. Oh. So then you can't, if you will give the money, then you can't even play the game. So how many players can play this game? There are amount of 6. The most is 6 or 5. 6 or 5 players. Yes. Okay. So I will definitely, I would love to play this game with you. Because it has so much things to do. And I don't know so much about this game. So I will learn it from you. I told you that, sir. I told you everything, and you didn't understand. Like if somebody, see, I tell you one thing about. See, if like say you got the ticket of Jaipur, okay, and then if another player, not you, another player goes on to Jaipur, then he will have to give you the, and how much money you pay to get it, the player will have to give you that much money. So I can earn money and I can earn money and I can earn money. No, so you can earn money by two ways. First way is to just buy. First way is to that there are certain places where you can buy money. Mm-hmm. And second one is that what was again the second one? Wait, there was a second one. Oh yes, yes. Mm-hmm. If another player, if like imagine you want like ticket of Jaipur, okay? And then if another player goes on to Jaipur, then he will have to give you the amount of money that you paid. Okay, that are two ways to get money. And the ways to get to not sell money is to just buy tickets. Okay. And there is also like if you don't, there is also going to be that they are also going to show like how much money you will have to give. Okay. So if you don't have that much money, that then you can't buy that ticket. Okay. So I will play this game with you. Yes, and you will also learn. The practice I can learn. And every single time I am going, nobody else. Oh, you are the winner. Yes. Okay. He is always the winner of this game. Yes, I have won every single time. Nobody has beat me at business. ये हमेशा जीत जाते हैं, इनको कोई हरा नहीं पाता. Business नाम के game. He explains everything about the game. Very clearly he explains very clearly. And he has a sweet voice. So everything is clearly voice is chopping, but I understand. Okay, voice is
देखो, सी दिस इज द स्टिक, ओके ओके, एंड दिस विल गो ऑन टू द फ्लोर, ओके, एंड देन इफ यू विल रोल इट एंड इफ देयर इज अ ग्रेन बाय देयर, देन व्हाट विल हैपन टू द स्टिक? द स्टिक इन द स्टिक विल ग्रेन विल बी ग्रेन्ड, हां, इट विल फॉल इनटू द ड्रेन एंड इट विल नॉट पिक इट अप. No, first one, it will go, then if one man comes here and there is no threat, then one man will pick it up. And then he will be. Business. You know that it's a game you just haven't played. I know the name of the game. When I was little, I used to play. But I have forgotten so many things of this game because I have not played this game for a long, long time. So then how much percent you have gotten? I know only one thing, that there is money and there is ticket and there is a dice, right? Yeah, and generally my sister and I used to play it when we were very young. I know only this. Okay, I am talking to her, I am asking her some questions, right? You can also be here. If you want to ask, you can ask for us. चलिए मैम, उस इंटरेक्टिव पर थोड़ा सा खेलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सवाल को. Can you kill two birds with one stone? Yes, I can kill two birds with one stone. क्या आप एक तीर से दो शिकार कर सकते हो? हाँ सर, मैं एक तीर से दो शिकार कर सकती हूँ. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस. Can you ask me question in good chapter? Could you kill? Could you to kill two birds with one stone? Come again, please. Do you know, Atharv, there is one facility with this app. Whatever you speak, it comes here. What? How? Oh. You can speak? Hello? Yeah. Yes. Speak your name. Yeah. My name is Atharv Tiwari.
ही कैन नॉट तिवारी, अंडरस्टैंड आई कैन हियर तिवारी, नॉट फर्स्ट नेम. व्हाट इज योर फर्स्ट नेम? माय फर्स्ट नेम इज अथर्व. अथर्व. ओ अथर्व वेरी अथर्व नाइस अथर्व. अथर्व अर्व अथर्व वेरी एंड नाइस. माय फर्स्ट नेम इज अथर्व तिवारी. तिवारी. एक्चुअली इट इज अच्छा अथर्व इज लेटेस्ट नेम ऑफ लेटेस्ट नेम अथर्वा. नहीं आई नो अथर्वा. आपको पता है जे जे कौन है? जे जे नो आई डोंट नो. ये मेरा स्मॉलर ब्रदर है. जे जे नेम से कुछ नहीं होता है. हिज स्मॉलर ब्रदर इज जे जे. He is one year old. His name is JJ. और ये कह रहे हैं कि नेम से कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता है. अब उसका नाम. He is very intelligent. In speaking English और वैसे भी mentally भी intelligent है. जो ये कह सकता है कि नेम से कुछ नहीं होता, it means कि he is intelligent. Very nice, very nice. बचपन भी कितना नहीं सर डिपेंड करता है. मजेदार होता है. But when why he learn? You learn? If you do not speak properly, Google Meet will not understand anything. No, Google me will understand. He's writing something else. You are speaking something else. Write something. No, I'm not speaking something else. You are speaking something else. You should speak clearly and softly. Yeah. Then Google Meet can type everything. Yes, then Google Meet can type everything. Yeah. No, he cannot. No, you. Sir, very difficult for me. Very difficult for me, I think. No, don't say. Don't say. You can say it is a catwalk. It is a catwalk. Catwalk. Do you know this interactive? Yeah. Bye bye. Thank you. चलिए मैं कुट में आपसे दूसरा सवाल करता हूँ. Yes. सब्जेक्ट भी चेंज करता हूँ. Could she kill two birds with one stone? No, she could not kill two birds with one stone. क्या वो एक तीर से दो शिकार कर पाई? नहीं सर, वह एक तीर से दो शिकार नहीं कर पाई. Third question: Should everybody kill two birds with one stone? Yes, everybody should kill two birds with one stone. क्या हर किसी को एक तीर से दो शिकार करने चाहिए? हाँ सर, हर किसी को एक तीर से दो शिकार करने चाहिए. Does your neighbor kill two birds with one stone? Does your neighbor kill two birds with one stone? Yes, sir. My neighbor kills two birds with one stone. क्या आपका पड़ोसी एक तीर से दो शिकार करता है? हाँ सर, मेरा पड़ोसी एक तीर से दो शिकार करता है. Did your enemy
kill two birds with one stone? No, my Annie did not kill two birds with one stone. क्या आपके दुश्मन ने एक तीर से दो शिकार किए? नहीं सर, मेरे दुश्मन ने एक तीर से दो शिकार नहीं किए. Will BJP kill two birds with one stone? Yes, BJP will kill two birds with one stone. क्या BJP एक तीर से दो शिकार करेगी? Yes sir, BJP एक तीर से दो शिकार करेगी. Are all the political parties killing two birds with one stone? Of course, all the parties are killing two birds with one stone. क्या सभी राजनीतिक पार्टियां एक तीर से दो शिकार कर रही हैं? हाँ सर, सभी पार्टियां एक तीर से दो शिकार कर रही हैं. वर द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन? यस ऑफ कोर्स, मेंबर्स ऑफ कांग्रेस आर किलिंग. कम अगेन. वर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस killing two birds with one stone? Yes, members of Congress were killing two birds with one stone. क्या कांग्रेस के सदस्य एक तीर से दो शिकार कर रहे थे? हाँ सर, कांग्रेस के सदस्य एक तीर से दो शिकार कर रहे थे. अब आप कैन से शुरू कीजिए, जिस तरह से मैंने अलग अलग सब्जेक्ट रखे वैसे ही आप भी. सर कैन यू अटेंड द मीटिंग, कैन यू अटेंड द मीटिंग in your neighbor, can you attend the meeting of नहीं अपन मुहावरे को लेके चल रहे हैं ना सब कुछ. ओके 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 सर. हाँ, can you kill two birds with one stone? ये तो आपने सेम क्वेश्चन कर दिया, मैंने भी यू से ही किया था. ओके, आपको चेंज करना है. Can he kill two birds with one stone? No, he cannot kill two birds with one stone because he is not mentally stable. Okay. Could complete the process, please. क्या वह एक तीर से दो निशाने कर सका, कर सकता है? दो निशाने इज रॉन्ग हिंदी. दो शिकार, सॉरी सॉरी, दो शिकार. क्या वह एक तीर से दो शिकार कर सकता है? नहीं, वह एक तीर से दो शिकार नहीं कर सकता क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर है. कुट Could they kill two birds with one stone? Yes, they could kill two birds with one stone, but they did not grab this opportunity. Completing can could हाँ, वह एक तीर से दो शिकार क्यों नहीं कर सका? क्यों तो कहीं लगाया ही नहीं आपने. sorry, तो sorry, inverted question. नहीं नहीं, क्या 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 वे एक क्या वे एक तीर से दो शिकार कर सके? नहीं, वे कर सकते थे, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते थे
किंतु वे एक तीर से दो शिकार कर नहीं पाए। दे कुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते थे, बट दे कुड नॉट किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, लेकिन वे एक तीर से दो शिकार कर नहीं पाए। Now should yes. Should she kill two birds with one stone? Who is she? She is Sita. She is Sita. Okay. Sita, the wife of Rama? Yes. Okay. The wife of Rama, Sita. You are asking about Sita ji. Yeah, Sita. Okay. Sita ji is a very Sita ji is a lady who always suffered with the problems from the starting, just after marrying Ramchandra ji. So actually I think she was so pious lady, holy lady, so I think she should not kill two birds with one stone. क्या सीता जी को एक तीर से दो शिकार करने चाहिए? जहाँ तक सीता जी की आप बात कर रही हैं रामचंद्र जी वाली, तो वो एक बहुत ही पवित्र महिला थी और धार्मिक महिला थी। शादी के ठीक बाद से उनके जीवन में समस्याएं आना शुरू हुई और जीवन भर उन्होंने उसका सामना किया, तो मेरे ख्याल से वो इस स्थिति में बिल्कुल नहीं थी कि उन्हें एक तीर से दो शिकार करना चाहिए। Now which chapter? Present simple. Are they killing? Are they killing two birds with one stone? Madam, present simple में तो are होता ही नहीं। Okay sir, ये present continuous हो गया sir. जी, this is present continuous. Continuous. Do they kill two birds with one stone? Do they kill two birds with one stone? No, they don't kill two birds with one stone. क्या वे एक तीर से दो शिकार करते हैं? नहीं, वे एक तीर से दो शिकार नहीं करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव द गट्स टू डू इट, क्योंकि उनमें ये ऐसी क्षमता नहीं है। Did Congress party kill two birds with one stone? Well, yes, they really killed two birds with one stone. क्या कांग्रेस पार्टी ने एक तीर से दो शिकार किए? हाँ, उन्होंने वास्तव में एक तीर से दो शिकार किए। विल बीजेपी पार्टी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन? मैडम, एक ये गलती भी है बहुत से लोगों को हमने करते हुए देखा, आज इसको आप भी समझ लीजिए। BJP, तीन लेटर लिख के देखिए तो एक का मतलब होगा
भारती, बी यानी भारती, बी फॉर भारती, जे फॉर जनता और पी फॉर पार्टी। तो जब पार्टी शब्द बीजेपी में आ गया है तो हमें एक और बार पार्टी लगाना नहीं चाहिए। इतनी बड़ी हिंदी की व्याकरण की मिस्टेक है, सोच के देखिए। बीजे बोल सकते हैं, बीजे पार्टी या बीजेपी, ओनली बीजेपी। अब बीजेपी तो आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो कितना खराब लगेगा, बीजे पार्टी तो कितना गंदा लगेगा। भारतीय या भारतीय, या तो हिंदी में पूरा बोले भारतीय जनता पार्टी। भारतीय डिड भारतीय जनता पार्टी किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। Yes, they really killed two birds with one stone. Complete the process, please. क्या भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार करेगी? ये तो आपने फ्यूचर पूछ लिया हिंदी में हमसे। सर विल, मैंने अभी तो आपने बोला था, अभी आपने डिड बोला था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से दो शिकार किए? हाँ, उन्होंने वास्तव में एक तीर से दो शिकार ही किए। विल विल द स्टूडेंट्स kill two birds with one stone? Which category of students are you talking? ये घुमक्कड़ स्टूडेंट जो क्या बोलेंगे सर, लोफर। लोफ इज ए वर्ब, लोफर और लोफर यानी विल लोफर स्टूडेंट्स हैं, विल लोफर पीपल या विल लोफर स्टूडेंट्स किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन? Obviously, they will kill two birds with one stone because they are loafer students. Complete the process, please. क्या loafer students एक तीर से दो शिकार करेंगे? हाँ, घुमक्कड़ विद्यार्थी एक तीर से दो शिकार करेंगे क्योंकि वे घुमक्कड़ हैं, they do not study. और वे पढ़ते नहीं है। सर प्रेजेंट पर कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट एक एक करके लेते रहेंगे, अभी अपने फ्यूचर सिंपल में, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। सर आर योर फ्रेंड्स किल Are your friends killing two birds with one stone? Are you talking about my school friends or you are talking about my college friends or you are talking about my colony friends? Are your school friends killing two birds with one stone? Actually, madam, I am not in touch with my school friends, my classmates, schoolmates. So I cannot give the answer of this question. School friends nahi bolna tha. Sir, this is my mistake. This is conversation. अगर हम सीधे सीधे उत्तर देंगे तो वहां जाके वो खत्म हो जाएगा, एक नया प्रश्न जन्म ही नहीं लेगा। What
while he killing two birds, was he killing two birds with one stone? He means who? Can you tell me? He means Ram. Ram Jethmalani, are you talking about? Ram Malani. Ram Sachdeva. You know Ram Sachdeva? No. Who is your Ram? Your neighbor. No. He is Ram Trivedi. You are confused. Okay. Maybe. Ram Sachdeva is the manager of SBI. Okay. My neighbor's name was Ram Trivedi. Ram Trivedi. Hmm. Was your neighbor Ram Trivedi killing two birds with one stone? This year he is not killing two birds with one stone, but last year he was killing two birds with one stone. Complete the process. राम त्रिवेदी आपका सर आपका पड़ोसी राम त्रिवेदी ने एक तीर से दो शिकार किए. एक हिंदी इज टोटली रॉन्ग सर. आप क्या आपके पड़ोसी राम त्रिवेदी ने एक तीर से दो शिकार किए थे? ये तो पास सिंपल हो गया मैडम. ये थी सर हमने वॉज बोला था ना. वॉज आपके आप तो पास कंटिन्यूअस पूछ रहे हैं सर. आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट पास कंटिन्यूअस. और इस सेंटेंस में कंटिन्यूटी तो कहीं दिख ही नहीं रही है. कंटिन्यूटी तो कहीं दिख ही नहीं रही. वॉज योर नेबर राम त्रिवेदी किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन? मैम योर इंग्लिश सेंटेंस वाज राइट. क्या आपके नेबर राम त्रिवेदी ने एक तीर से दो शिकार किया था क्या कर रहा था क्या आपका पड़ोसी राम त्रिवेदी एक तीर से दो शिकार कर रहा था? मैडम इस साल तो वो एक तीर से दो शिकार नहीं कर रहा है, लेकिन पिछले साल एक तीर से दो शिकार कर रहा था. चलिए हम इसको विराम दे देते हैं, समय हो गया है. यस सर. ओके सर. लेकिन आप सब्जेक्ट रख नहीं पाती हैं, इस पर विचार कीजिए. राम और सीता को रखने के लिए आप कभी भी बैच में राम और सीता का जिक्र कीजिएगा, सब देखिएगा सबके चेहरे पर हंसी आ जाएगी. हाँ. क्योंकि हमें 70 साल तक राम सीता मोहन राधा, अब तो ऐसा लगने लगा ये इतने पवित्र नाम इनसे घृणा सी होने लगी है. मोहन ने हमेशा एक लेटर लिखा, राधा हमेशा बैडमिंटन खेलती रही 27 साल तक, राम एक आम खाता रहा. क्या आपको नहीं लगता कि धिक्कार है ऐसी बिल्कुल रटी हुई चीजों पे? सर आई कैन ट्राई. एक्चुअली सर होमवर्क दे. मैं भी हिंदी मीडियम हूँ और ये शब्द मैं जानबूझ के पहले दिन प्रतिबंधित कर देता हूँ कि अगर तुम राम सीता मोहन गीता यही रखते रहोगे जिंदगी भर, तो भाई ये जो हम प्रैक्टिकल बातचीत करते हैं उसमें हम राम कहाँ बोलते हैं किसी को? और राम तो वैसे भी आदर्श पुरुष हैं. अब तो राम से रामलाल नौकर के रूप में होने लगे हैं. और आपने उस समय सीता रख तो दिया था, और चूंकि इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं विवादास्पद बयान नहीं देना चाहता था, क्योंकि सीता जी के बारे में मैं कुछ भी ऐसा बोलूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने उसको संभाल के बोला.
तो इनको भगवान ही रहने दीजिए, सम्मान ही रहने दीजिए, और अपन मुन्नू जी पप्पू गुड्डू राकेश रितेश कुन्नू कल्लू ऐसे शब्द जो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित हैं वो रखें। ओके इसलिए हमने पिछले सेंटेंस में हर बार अलग अलग सब्जेक्ट रखा। चलिए विराम देते हैं। ओके थैंक यू सर।